पढ़ाए उस समय में, श्राद्ध के समय में, और अभी श्राद्ध चल रहे हैं, भगवान कहते हैं कि इन दानों का ज्यादा महत्व है। कौन कौन से हैं भगवान लिस्ट बता रहे हैं। ग्रहण काल में माता पिता मरणासन्न रखे हैं उस समय, पर्व काल में और श्राद्ध काल में, अभी श्राद्ध काल चल रहे हैं। दान की तो हर समय महिमा है, लेकिन इन दिनों में ये लिख लें आप, श्राद्ध काल, पर्व काल, ग्रहण काल और आतुर काल। आतुर काल कहते हैं जिस समय माता पिता बिल्कुल आज गए कि कल गए उस समय, उसको आतुर काल कहते हैं। आतुर काल, पर्व काल, जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, संक्रांति है, एकादशी है, इसको पर्व काल कहते हैं। और ग्रहण काल जिस समय वो सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, उसके मोक्ष के समय पर बहुत बड़ी महिमा है उसकी। और एक है श्राद्ध काल, ये पितृपक्ष जो 16 दिन का। इन चारों कालों में किया गया दान अक्षय है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता पुण्य, उसको अक्षय कहते हैं। इन दिनों में कौन कौन सा दान होना चाहिए भगवान बता रहे हैं। तिलालोहम हिरण्यम च कपासो लवणम तथा सप्त धान्यम चितिर गावो यैकम पावनम स्मृतम। ये आप लिख लीजिए क्या क्या है इन दिनों में, इन चारों कालों में। तिल का दान, तिल बहुत बड़ी महिमा है, और आपने यहाँ के यज्ञ के लिए तिल का दान किया है, पूर्ति हो गई। दूसरा है लोहे का दान, यम के जितने भी हथियार हैं वो लोहे के हैं। श्राद्ध काल में जो लोहे का दान करता है, यमराज के दूतों के द्वारा किया गया प्रहार फूल की तरह एहसास होता है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। चतुर्दशी, चतुर्दशी का श्राद्ध, आत्महत्या करके जो लोग मौत को प्राप्त हो गए, अकाल मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी शांति के लिए लोहे का दान होना चाहिए। भगवान कहते हैं तिल का दान, लोहे का दान। ये चारों कालों में जो जो बताया, अभी श्राद्ध काल चल रहा है तो श्राद्धों में भी हिरण्यमयम स्वर्ण का, सोने का दान, च कपासो रुई का दान। रुई के दान की भी भारी महिमा रुई का, क्योंकि वो 16 पुर मिलते हैं रास्ते में, जब यमराज के यहाँ जाते हैं तो एक है शीतोष्णो नगर पुर, उसमें भारी ठंड होती है, रुई का दान करने वाले उस कड़क ठंड से सर्दी से बचे, ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा। कपास रुई का दान, लवणम तथा, अमावस्या के दिन करा देंगे, क्या है नमक का दान। आज दानों में नाम आता है नमक का, रेट में भले ही कम हो लेकिन आजकल तो नॉन भी नमक भी बड़ा महंगा आता है नमक, तो नमक का दान भी उन विशेष दानों में से एक है। और है सप्त धान, इस मृत्यु लोक में सबसे पहला कोई अन्न पैदा हुआ उसका नाम है जौ। स्वयं देवराज इंद्र ही यव के रूप में प्रकट हुए, इसलिए जौ का नाम इंद्र जौ भी है। इसको पूजा काल में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। तो सप्त धान्य, सात अनाजों का दान। फिर कहा गया है भूमि दान, श्राद्ध काल में धरती के दान की बाहरी महिमा है, बहुत ज्यादा है। कुछ नाम भी बताए हैं, उस दाले के लिए, गौ सदन के लिए, प्याऊ के लिए, शमशान घाट के लिए, शमशान का भी नाम है, शमशान घाट के लिए, स्वयंवर के लिए जहाँ वरवधु की भावरें पड़ती हैं उसके लिए, रुग्ण व्यक्ति के उपचार के लिए यानी अस्पताल व्यवस्थालय के लिए किया गया यह भूमि दान अक्षय पुण्य देता है। मंदिर के लिए वर्णन, गौ सदन के लिए, गौशालाओं के लिए भूमि का। और अगली बात बताइए, छित्र गावो एकम पावनम स्मृतम। और आगे का दान बताया है वह है गाय का दान, गौ माता का दान विशेष दानों में से है। एत दष्ट महादानम महापातक नाशनम, जो आठ बातें बताई हैं, आठ दान बताए हैं, भगवान कहते हैं महापातक, भयंकर से भयंकर पाप को ये अष्ट दान है वो समाप्त कर देते हैं। अंत काले प्रदातव्यम सुणु तस्य चेत फलम, इन महापातकों को दूर करने के लिए जिनके जीवन में आठ दान हुए हैं, एक बेटा अपने माता पिता के अंत काल में ये आठों दान जरूर, ये भगवान बोले। एक बार बोल दूं, तिल का दान, लोहे का दान, स्वर्ण का दान, कपास का दान, नमक का दान, अन्न का दान, भूमि का दान और गौ माता। नीचे और बताए कुछ, जिसमें घृत का दान है, शर्करा का दान है इसमें, और वस्त्र का दान है, और भवसागर से पार होने के लिए कन्या का दान है, आत्म उद्धार, आत्म कल्याण।